ये जो भी कहे इनको देगी और चुपचाप अपनी बहन को उठवा लो, ठीक है? पहले एक बार उठवा लो और मेरे ऑफिस में लेके आओ, उस लड़के को लेके आओ और ये जो मैप कही है इसको भी लेके आओ, तो मैं इसको सबक सिखाऊंगा। मैं सीधे इसको कारावास में डलवा देती हूँ। किसी ने उसको ये कहकर कि उसके एसओजी टीम से और एसपी चित्रकूट से अच्छे संबंध है, ये कहकर कि मैं आपकी फोन पे एसपी से बात करा देता हूँ और त्वरित आपकी सहायता इसके अवज में की जाएगी, तो किसी महिला ने बनके उनके साथ बात भी की। पुलिस हिरासत में दिख रहे ये दो शख्स कोई मामूली चोर उचक्के नहीं, बल्कि ऐसे महाठग हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से शातिर ठगी करते हैं। शातिर अंदाज में ठगी करने वाले यह दोनों ठग अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। चित्रकूट जनपद से जुड़े कौशाम्बी सहित कई जिलों में इन महाठगों का मायाजाल फैला हुआ था, जिसके चलते यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट सहित अन्य जिलों में कभी सरकारी ठेका दिलाने के नाम पर तो कभी सरकारी नौकरी दिलाने की गारंटी लेकर लाखों की हेराफेरी को अंजाम दे रहे थे। इन शातिर महाठगों के मायाजाल को ग्रहण तब लग गया जब एक लापता युवती को खोजने के लिए पीड़ित परिवार से इन महाठगों ने चित्रकूट की पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला की ही नकली आवाज का इस्तेमाल किया। इन महाठगों ने लापता युवती के परिजनों से एसओजी टीम बनकर काम करवाने के एवज में 58,000 रुपये वसूल लिए और दूसरी किस्त में इन्होंने वर्तमान में चित्रकूट जनपद में तैनात महिला आईपीएस पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला की हूबहू आवाज बनाकर 66,000 रुपये पेटीएम के माध्यम से अपने अकाउंट में डलवा लिए। सुरेंद्र ये बोल रहे हैं कि इनकी मदद करो चाहे जिससे खरगोश को गिरफ्तार करो एक बार। अच्छा, हाँ तो उसको गिरफ्तार करो, अभी धीरू के नंबर में बात कर लीजिए, उठे जी। हाँ ओके, हम ऐसा करो धीरू, हम तुम्हें बता दें आखिरी बात, ये जो भी कहे इनको देगी और चुपचाप अपनी बहन को उठवा लो, ठीक है? पहले एक बार उठवा लो और मेरे ऑफिस में लेके आओ, उस लड़के को लेके आओ और ये जो मैप कही है इसको भी लेके आओ, तो मैं इसको सबक सिखाऊंगा। मैं सीधे इसको कारावास में डलवा देती हूँ। अरे देखो इस तरह आपको बात करना बोलना है तो फिर मैं नहीं जानती, ठीक है? मैं आपको रास्ता बता दी, फिर उनसे बात कर लीजिए बाहर निकल के, और बात करके जो भी हो तो उनका वो करिए, इसके बाद अपनी बहन को उठवाइए, ठीक है? मेरी जिम्मेदारी, पैसे की पूरी मेरी जिम्मेदारी, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी, ठीक है? और मैं बार बार मेरे पास फोन नहीं करना और बार बार नहीं मेरे पास आना, जब फैसला वहां पे ना हो तो मेरे को बताना, ठीक है? लेकिन जब काम न होने पर पीड़ित परिवार ने इन महाठगों से पैसा वापस मांगा तो ये पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी देने लगे। ऐसे में पीड़ित को लगा कि वह किसी ठगी का शिकार हो गया है और उसने इनकी शिकायत थाने में कर दी। साथ ही महाठगों द्वारा महिला आईपीएस अधिकारी बनकर बात करने वाली फेक ऑडियो भी पुलिस को सौंप दी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने दोनों शातिर साइबर महाठगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नवंबर को थाना मऊ पे एक व्यक्ति द्वारा शिकायत दी गई थी जिसकी बहन कुछ दिन पहले चली गई थी, बालिग है अपनी किसी के साथ चली गई थी, तो उसके संबंध में गुमशुदगी भी दर्ज है, पर किसी ने उसको ये कहकर कि उसके एसओजी टीम से और एसपी चित्रकूट से अच्छे संबंध है उससे 58,000 और 62,000 रुपये दो इंस्टॉलमेंट्स में धोखाधड़ी से ले लिए, ये कहकर कि मैं आपकी फोन पे एसपी से बात करा देता हूँ और त्वरित आपकी सहायता इसके अवज में की जाएगी, तो किसी महिला ने बनके उनके साथ बात की, तो यह सूचना प्राप्त होने पे इसको अत्यंत गंभीरता से लिया गया और इसको तुरंत सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया था, और उसी के क्रम में जो इस अपराध का मुख्य अपराधी है मऊ से आज उसको 6/12 को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम धीरज उर्फ धीरू है
और उसी से पूछताछ के क्रम में एक बबलू सिंह उर्फ धर्मेंद्र सिंह जो उसका सहयोगी है उसे भी गिरफ्तार किया गया है। इन्हीं से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा जनपद कौशाम्बी के एक रहने वाले से 71 लाख रुपए की धोखाधड़ी ये कह के की गई है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जोरवारा टोल प्लाजा का ठेका दिला देंगे। उसके आधार पे, इस सूचना के आधार पे वो मुकदमा भी इनके खिलाफ पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही 2020 में धीरज के खिलाफ एक मुकदमा थाना पहाड़ी में भी पंजीकृत हुआ था जिसमें इसने 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी जमीन दिलाने की बात कहकर। तो ये तीन मुकदमे तो ज्ञात हैं जो इनके विरुद्ध हैं। इनके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है, इनके साथ अन्य सहयोगियों गैंग के सदस्यों की जानकारी की जा रही है। एक स्कॉर्पियो के साथ आज इन्हें पकड़ा गया है, वो स्कॉर्पियो बरामद कर ली गई है। ये भी संज्ञान में आया है कि जो इन्होंने 71 लाख रुपए की अभी धोखाधड़ी की थी उससे इन्होंने 2 ट्रक्स खरीदे हैं, उनको भी जल्द ही सीज कर लिया जाएगा इस प्रॉपर्टी के आधार पे। तथा इनके खिलाफ गुंडा एक्ट तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई प्रस्तावित है। ये तीनों लगातार हमारी खबरें देखने के लिए BNI 12 News को YouTube में सब्सक्राइब और Facebook सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फॉलो करें।